सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है। दिल थाम लीजिए, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ई बंदूक से बहुत गोली निकलने वाली है। फंक्शंस वन की भन्नाट शुरुआत करने वाले हैं। ये माया है माया, यहां सब बदल जाएगा। अगर कोई वही रहेगा तो वो है मैथ्स या फिर मैं। फंक्शंस के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर वन की इस लेक्चर में भन्नाट शुरुआत होने जा रही है। फंक्शंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फंक्शंस पार्ट वन एंड फंक्शंस पार्ट टू। फंक्शंस पार्ट वन में फंक्शंस के सारे बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे। 11th क्लास का जो फंक्शंस है वो फंक्शंस पार्ट वन है और 12th क्लास का जो फंक्शंस है वो फंक्शंस पार्ट टू है। 11th के फंक्शंस के साथ साथ फंक्शंस की सारी बारीकियां, फंक्शंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, और जेई के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं वो फंक्शंस पार्ट वन में कवर करेंगे। और फंक्शंस पार्ट टू जो 12th का पोर्शन है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस के एडवांस्ड पार्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस का मीनिंग सीखेंगे। कैलकुलस का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर फंक्शंस पे हमारी कमांड है, फंक्शंस पे अगर हमारी कमांड है तो मैं कहूंगा कैलकुलस की एक शानदार नींव रखी जाएगी और 12th क्लास में कैलकुलस का 50% के अप्रोक्सीमेटली वेटेज है। तो फंक्शंस को बहुत ही मजबूती के साथ हमको ठीक करना है। और देखिए, तुम लोग फंक्शंस के साथ प्यार में पड़ जाओगे। आप धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप फंक्शंस के जब लेक्चर अटेंड करें तो प्रॉपरली अटेंड करें, नोट्स अच्छे से बनाएं। किसी प्रकार की कोई चकरचुंडी अगर आप करेंगे नहीं, उससे फंक्शंस ठीक होने वाला, ठीक है ना। ईमानदारी से नोट्स बनाएं, किसी प्रकार की कोई चकरचुंडी ना करें आप, और अपना मेहनत करते जाएं हर लेक्चर के ऊपर। फंक्शंस आपका मस्त हो जाएगा, एकदम मदमस्त आप लोग हो जाओगे फंक्शंस के साथ, ठीक है। स्क्रीन पे आपके सामने, स्क्रीन के आपके सामने कुछ फोटो मैंने लगाई हुई हैं। देखिए, मैं आपको फंक्शन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। रिलेशंस का ही भाई है फंक्शंस, ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस को फंक्शंस बोलते हैं। सबसे पहले आइडिया ऑफ फंक्शंस हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन क्या लगा रहे हैं, सबसे पहले अपन आइडिया ले रहे हैं फंक्शंस का, आइडिया ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का जब अपने को आइडिया लग जाएगा कि फंक्शंस होते क्या हैं, उसके बाद फिर अपन फंक्शंस की डेफिनेशन सीखेंगे और यूं करते हुए फिर आगे फंक्शंस में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइडिया फंक्शंस का मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। फंक्शन सबसे पहले तो आपको बता दूं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होती हैं। फंक्शंस जो हैं वो एक खास किस्म की रिलेशंस होती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर फंक्शंस, ठीक है ना। फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है, करते हैं बात। यहां पे आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपके बटन बोर्ड की इमेज है। यहां पे देखिए, मोबाइल फोन की इमेज है, ठीक है ना। पुराने टाइम का मोबाइल फोन है, ठीक है। पुराने मूवीज में गुंडे यूज करते थे ऐसा, इस तरीके का मोबाइल फोन, ठीक है ना। ये वाला देखिए, ये आपके घर के टीवी का रिमोट कुछ ऐसा दिखता है। और ये इस प्रकार की गाड़ी है, बड़ी शानदार लाल कलर की गाड़ी है ना। और इसका डैशबोर्ड देखिए आपके सामने है। तो आप देखिए, बटन्स हैं सब जगह पे। यहां बटन्स हैं, यहां बटन्स हैं, यहां बटन्स हैं, यहां बटन्स हैं। बेसिकली जो बटन्स है ना, ये फंक्शंस हैं। ये जो बटन्स हैं ना, ये फंक्शंस हैं। ये वाला जो बटन है ना, ये वाला बटन, अब ये वाला बटन हो सकता है फैन का बटन हो, ठीक है ना। ये वाला बटन हो सकता है फैन का बटन हो, ये वाले बटन से हो सकता है फैन चलता हो। तो ये जो बटन है, ये फैन के साथ मैपिंग इसकी हो रखी है, फैन के साथ रिलेशन में है ये, ठीक है। ये वाला जो बटन है, इसको फंक्शन बोल सकते हैं अपन। ये वाला बटन है ट्यूब का बटन, ये वाला ट्यूब का बटन है, ठीक है। अब यहां पे आपने अगर नोट किया हो अपने घरों में, तो एक बटन की एक इंस्ट्रूमेंट के साथ ही मैपिंग होती है, है ना। एक बटन की एक इंस्ट्रूमेंट के साथ मैपिंग होती है। जैसे ये वाला फर्स्ट नंबर का बटन है, ये सेकंड नंबर का बटन है। तो जो फर्स्ट नंबर का जो बटन है, फर्स्ट नंबर का जो बटन है, इसकी मैपिंग फैन के साथ हो रखी है। जो सेकंड नंबर का जो बटन है, इसकी मैपिंग हो रखी है ट्यूब के साथ। अगर मान लो एक और थर्ड बटन होता है यहां पे,
है ना। मान लो ये वाला एक और बटन है, ठीक है ना, बटन नंबर थ्री, ये बटन नंबर थ्री है, इसकी मान लो फैन नंबर ये वन है, दिस इज फैन नंबर वन, एक फैन के साथ इसकी मैपिंग हो रखी है, दिस इज फैन नंबर वन। थर्ड वाले बटन की मान लेते हैं अपन फैन नंबर टू के साथ मैपिंग हो रखी है, फैन नंबर टू के साथ मैपिंग हो रखी है, करेक्ट है एकदम। अब यहां पर नोटिस करने वाली चीज है कि एक बटन से एक ही इंस्ट्रूमेंट चलता है। कभी भी आप अपने घर में इस प्रकार का बटन नहीं लगवाते कि एक बटन लगाया उससे सारी लाइट चालू हो गई, फैन चालू हो गया, टीवी चालू हो गया, गीजर चालू हो गया, है ना, आपका उससे हीटर चालू हो गया, रेफ्रिजरेटर चालू हो गया, ऐसा बटन अपने को तो नहीं चाहिए भाई घर में, ठीक है ना। मैं अपने घर में ऐसा बटन नहीं लगवाऊंगा कि एक बटन से सारा तामझाम चालू हो जाए, भाई नहीं। ऐसा बटन लगवाने से क्या होगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। जब मुझको सिर्फ फैन चालू करना होगा, लाइट चालू नहीं करनी होगी, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो होता क्या है, लाइफ को सिंपल बनाने के लिए रिलेशंस को सिंपल बनाना पड़ता है। यहां पे देखिए, मोबाइल फोन है, आप मुझे बताओ क्या आप अपने मोबाइल फोन में एक ऐसा बटन लगवाना चाहोगे क्या, उस बटन को दबाते ही दो लोगों को मैसेज चले जाए, एक आदमी को फोन भी लग जाए और व्हाट्सएप भी चले जाए चार लोगों को, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी चले जाए तीन लोगों को, भाई ऐसा बटन मैं तो नहीं लगवाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे मोबाइल का हर बटन एक काम करे। व्हाट्सएप वाला आइकन पे ओपन करो तो व्हाट्सएप खुले, मैसेज वाले आइकन पे अगर अपन क्लिक करें तो मैसेज खुले, फिर मैसेज में जा करके जिस आदमी को सेंड करना है वहां क्लिक किया गया तो सिर्फ उसी को मैसेज जाए, पांच पांच लोगों को मैसेज ना जाए रैंडमली। ऐसा बटन लगवाने की कोशिश रहेगी कि एक बटन से एक ही काम हो। मतलब जो रिलेशन है हर बटन का, इस बटन का किसी से रिलेशन है, इस बटन का किसी फंक्शन से रिलेशन है, तो मैं तो चाहूंगा कि हर बटन का एक ही रिलेशन रहे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये अपना यहां पे टीवी का रिमोट है। अब यहां पे आप चाहते हैं कि वॉल्यूम वाला बटन है, इस वॉल्यूम वाले बटन से वॉल्यूम भी बढ़ जाए और चैनल भी चेंज हो जाए। अरे भाई, जब चैनल चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ वॉल्यूम कम ज्यादा करना होगा, फिर आप क्या करोगे। तो एक बटन से जब दो काम होने लग जाएंगे, वॉल्यूम के बटन से मान लो तीन काम होने लग गए, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, ब्राइटनेस भी बढ़ रही है, चैनल भी बदल रहा है, उस बटन को दबाओ तो सब कुछ बदल गया। आप सोचोगे भाई इस बटन को हटाओ, निकालो, हमें नहीं चाहिए ये बटन। तो अपने को वो वाले बटन चाहिए जो एक बटन एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, हमारे एक चीज के साथ मैप हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहां पे गाड़ी में देखिए, क्या आप ऐसा बटन लगवाना चाहेंगे, मान लो आपने जो है गियर सेकंड गियर डाल दिया, गाड़ी की रेस भी बढ़ गई, गाड़ी जो है उसकी एकदम म्यूजिक भी चालू हो गया, है ना। ऐसा नहीं लगवाना चाहोगे आप कोई भी गियर, कोई भी बटन आप ऐसा नहीं लगवाना चाहोगे। म्यूजिक वाला बटन है, म्यूजिक वाले बटन को दबाया उससे गाड़ी तेज भी चालू होने, अपनी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई, म्यूजिक भी बढ़ गया, है ना, गाड़ी की लाइट भी जल गई एकदम से, गाड़ी के वाइपर भी चलने शुरू हो गए, भाई मैं तो नहीं लगवाऊंगा ऐसा बटन कोई। तो मुझे लगता है कि एक बटन जब एक काम करता है तो इसका मतलब रिलेशंस जो है वहां पे बड़े सिंपलीफाई कर रखे हैं। तो वो रिलेशंस जहां एक बटन एक काम करता है उनको फंक्शंस बोलते हैं। रिलेशंस स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं। और क्या स्पेशलिटी होती है, पहली दो स्पेशलिटी होती हैं, ऐसे रिलेशन जिसमें दो खास प्रकार की स्पेशलिटी हो उन रिलेशंस को हम बोलते हैं फंक्शंस। पहली स्पेशलिटी है कि वन बटन मस्ट हैव वन फंक्शन। एक बटन का एक फंक्शन होना चाहिए, एक बटन का एक काम होना चाहिए, एक तो ये खूबी होनी चाहिए। और दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि कोई फालतू का बटन ना लगा हो हमारे पास। नो एक्स्ट्रा बटन शुड बी देयर, नो एक्स्ट्रा बटन, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसी रिलेशन जिसमें दो खूबियां हो, एक खूबी तो यह हो कि एक बटन से एक काम होता हो, और दूसरी खूबी यह हो कि कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए। मान लो आपके मोबाइल लिया आपने और उसमें ये वाले बटन के साथ कुछ एक्स्ट्रा बटन लगा दिए, यहां पे ऐसे 10 एक्स्ट्रा बटन लगा दिए मैंने यहां पे इस प्रकार से। आप मार्केट में गए, आपने ऐसा मोबाइल खरीद लिया जिसमें 10 एक्स्ट्रा बटन लगे हुए हैं, उन बटन का कोई काम ही नहीं है, आप उनसे दबाओ कुछ नहीं होने वाला उनसे, आप ऐसा मोबाइल लोगे क्या? अरे भाई, आप ऐसा मोबाइल लोगे क्या कि एक मोबाइल में 50 बटन लगे हैं, काम 5 बटन का ही है, 45 बटन ऐसे लगा के दे दिए, भाई मैं तो नहीं लूंगा ऐसा मोबाइल फोन। धन्य हो ऐसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो एक्स्ट्रा बटन लगाती है, बट मेरे को नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? तो एक्स्ट्रा बटन अगर किसी मोबाइल में होगा, मुझे वो नहीं चाहिए। तो वो क्यों उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे ये हो जाएगा
एक तो मोबाइल का साइज बड़ा हो गया, एक्स्ट्रा बटन लगाने के पैसे ही फालतू लेंगे वो, है ना। वो अपनी लाइफ को सिंपल नहीं करते, है ना। एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। और दूसरी चीज, एक बटन से एक काम होना चाहिए, एक बटन से जब दो काम होने लग गए, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई चक्कर चुंडी नहीं चाहिए अपने को लाइफ में। एक बटन से एक काम होना चाहिए, नो एक्स्ट्रा बटन शुड बी देयर। अगर ऐसी रिलेशन जो ये दो चीजों को मानती है, उस खास किस्म की रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे फंक्शन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है जो दो बातों को फॉलो करती हो। पहली बात, एक बटन से एक काम। दूसरी बात कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा फंक्शंस का, कि फंक्शंस वो स्पेशल टाइप की रिलेशन होती हैं जो दो बेसिक बातों को फॉलो करती हैं। अब देखिए, मैथमेटिकल अंदाज में समझने का प्रयास करते हैं। हम मैथमेटिकली समझते हैं कि फंक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शंस होते हैं वो मैथ्स में दो सेट्स के बीच में डिफाइन किए जाते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो दो सेट्स के बीच में डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक सेट हमारा था बटन्स का। यहाँ पे देखिए, एक सेट में बटन्स हैं और दूसरे सेट में इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे भी एक फंक्शन है। इसमें देखिए दो सेट थे, एक सेट में तो बटन नंबर 1, 2, 3 और दूसरे सेट में क्या है, फैन नंबर 1, ट्यूब और फैन नंबर 2। तो यहां पे इन दोनों में क्या है, एक खास किस्म के रिलेशन है जिसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो जो फंक्शन होता है वो दो सेट्स में डिफाइन किया जाता है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, दो सेट्स में फंक्शन डिफाइन किया जाता है। ये जो सेट होता है ये इनपुट्स का सेट होता है, ध्यान से देखिए। ये जो सेट होता है ये इनपुट का सेट होता है और ये वाला जो सेट है ये आउटपुट्स का सेट है। इनपुट का जो सेट है वो है 1, 2, 3, बटन 1, बटन 2, बटन 3। जैसे इनपुट वाला सेट में बटन 1 ऑन किया, फैन नंबर 1 चालू हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा फैन चालू होना, ठीक है। बटन नंबर 2 एज ए इनपुट प्रेस किया तो आपका ट्यूब जल उठेगी, आउटपुट क्या आएगा, आपको जो है रोशनी हो जाएगी, करेक्ट है एकदम। तो ये वाला जो सेट है इसको इनपुट का सेट बोलते हैं और ये वाला सेट जो है ये होता है आउटपुट का सेट, करेक्ट है एकदम। तो यहां से देखिए ये आइडिया लग चुका है कि यहां एक इनपुट का सेट होगा, बटन्स होंगे, दबाओगे आप, फिर एक आउटपुट का सेट होगा। तो जो फंक्शन होता है वो दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है, एक सेट इनपुट का सेट होता है और दूसरा सेट आउटपुट का सेट होता है, क्लियर है एकदम। तो यहां मैंने बना दिया कि भाई ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, सेट ए से बीच में ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, ठीक है ना। जो फंक्शन होता है वो दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन किया जाता है, क्लियर है। अब दूसरी बात यहां पे समझने की जरूरत है कि जब हम सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको कुछ यूं लिखते हैं, फंक्शन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ये जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनपुट, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इनको बोलते हैं इनपुट, इनको क्या बोलते हैं, इनपुट। और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लो सेट ए में एलिमेंट हैं हमारे 1, -1, 2, 4, यहां पे हैं 1, 4, 16, 20। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं आउटपुट, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आउटपुट्स, क्लियर है एकदम। ये इनपुट का सेट है और ये जो है हमारा आउटपुट का सेट है, क्लियर है एकदम। अब यहां पे हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया हमने सेट ए से सेट बी में, वो कुछ यूं किया कि सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर करने पे सेट बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर करने पे सेट बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो स्क्वायर फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो उसको हम देखो यूं डिनोट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या डिनोट कर दिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन डिफाइन किया मैंने ए से बी में, ध्यान से सुनना, फंक्शन डिफाइन किया मैंने ए से बी में और फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये एफ एक्स क्या चीज है इसको समझते हैं। एफ एक्स का मीनिंग है कि
f मेरा फंक्शन है और x उसका इनपुट है, f मेरा फंक्शन है और x उसका इनपुट है, इनपुट है, और फंक्शन का जो बिहेवियर है वो क्या है कि जो इनपुट है x उसका स्क्वायर कर देगा, इनपुट जो है x उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। तो सेट a के जो एलिमेंट्स है ना, सेट a के जो एलिमेंट्स हैं इनको जो हम इनपुट बोलते हैं, इनको x भी बोल सकते हैं, इनपुट्स भी बोल सकते हो, या इनको इनपुट्स को x से डिनोट करते हैं और जो आउटपुट्स हैं उनको हम y से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, y से। तो देखिए ये मेरा x है, तो x का जब स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 है स्क्वायर कर दिया, y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। जो fx है इसको आप y भी बोल सकते हो, fx को आप y भी बोल सकते हो, ठीक है ना, fx का ही नाम है y, तो y बोल लीजिए या fx बोल लीजिए एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पे जो a जो है वो है वैल्यूज ऑफ x, a के अंदर क्या है, वैल्यूज ऑफ x, और b के अंदर क्या है, b के अंदर है वैल्यूज ऑफ fx, वैल्यूज ऑफ fx और वैल्यूज ऑफ y, fx या फिर यूं कहें y की वैल्यूज, ठीक है। अब फंक्शन fx क्या है, x स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, x का स्क्वायर करके हमें आउटपुट देगा, 2 का स्क्वायर करेगा तो यहां पे 4 आया, 4 का स्क्वायर करेगा तो यहां पे देखिए 16 आया। तो सेट a से b में मेरा f फंक्शन डिफाइन किया गया था और फंक्शन का नाम था x स्क्वायर फंक्शन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, fx इक्वल टू x स्क्वायर, fx इक्वल टू x स्क्वायर करें, fx इक्वल टू x स्क्वायर करें या फिर y इक्वल टू x स्क्वायर करें, दोनों बातें एक ही हैं दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, fx जो है उसी को y बोला जाता है, करेक्ट है एकदम। तो अब यहां पे नोटिस करने वाली बात है, ये देखिए a सेट मेरा इनपुट का सेट था, a सेट मेरा इनपुट का सेट था, यहां पे कोई भी बटन खाली नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बटन खाली नहीं है, हर एलिमेंट की मैपिंग होनी जरूरी है, हर बटन की मैपिंग होनी जरूरी है, कोई भी एलिमेंट आप देख सकते हैं यहां पे खाली नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखने वाली है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे दो काम होते हों, यहां वन है इससे एक ही काम हो रहा है, सिर्फ एक काम, ये वाला माइनस वन है इससे भी एक काम हो रहा है, टू है इसकी मैपिंग भी एक एलिमेंट से ही है, एक एलिमेंट इनपुट का है उसकी मैपिंग एक एलिमेंट जो आउटपुट का है उससे होनी चाहिए, एक एलिमेंट इनपुट का है उसकी मैपिंग एक एलिमेंट जो है आउटपुट का है उससे होनी चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट की अगर दो के साथ मैपिंग होगी, यहां पे देखिए ये जो मैपिंग है एक की दो के साथ हो गई, एक बटन से दो काम होने शुरू हो गए, समझ लेना वो फंक्शन नहीं है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, है ना। लेकिन ये जो है यहां पे एक एलिमेंट की एक के साथ मैपिंग हो रही है और इनपुट वाला जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, बिना मैपिंग के नहीं बच रहा, तो यहां पे देखिए ये जो रिलेशन है खास किस्म का रिलेशन है, दोनों बातों को फॉलो कर रहा है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, मुझे लिखना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन में कि फंक्शंस आर दोज रिलेशंस इन विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन द सेट बी, जितने भी सेट ए के एलिमेंट है उनकी एक बी सेट में एक यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं फंक्शंस उन मैपिंग को बोला जाता है, फंक्शंस आर द मैपिंग्स, मैपिंग्स का मतलब है ये ऐसे रिलेशंस हैं, फंक्शंस आर द मैपिंग्स विच मैप्स, जो क्या करते हैं, मैप करते हैं हर एलिमेंट को, सेट ए के हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, मतलब एक मैपिंग होनी चाहिए, एक एलिमेंट जो है वो एक इमेज देगा, एक आपका आउटपुट देगा, है ना। विच मैप्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस डेफिनेशन को ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस वो खास किस्म की मैपिंग्स हैं या यूं कहें रिलेशंस हैं, फंक्शंस वो खास किस्म की मैपिंग हैं या यूं कहें रिलेशंस हैं जो सेट ए के हर एलिमेंट को मैप करते हैं और यूनिकली मैप करते हैं बी सेट्स के एलिमेंट के साथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां पे देखिए, यहां पे जो खास दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं वो हैं
ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट की मैपिंग होनी जरूरी है। ईच एंड एवरी एलिमेंट की मैपिंग होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी बटन खाली नहीं होना चाहिए ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। और ये दूसरा शब्द इंपॉर्टेंट है, यूनिक, कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, एक बटन से एक काम होना चाहिए, कोई भी बटन खाली नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो इस प्रकार के खास रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि किन खास रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। और फंक्शन का देखिए यहाँ पे इस सिंबल का मीनिंग है, फंक्शन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, है ना। फंक्शन का नाम किसी लेटर का यूज करके लिखा जा सकता है, एफ जी एच के। ये जो फंक्शन हमने यहाँ ए से बी में डिफाइन किया, इसका नाम मैंने एफ रख दिया है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन जो है वो एक तरीके की रिलेशन ही है जो दो सेट्स में डिफाइन की जा सकती है। फंक्शन एक खास किस्म की रिलेशन होती है, ठीक है। और यहां पे ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन एक रिलेशन है, लेकिन सारी रिलेशन फंक्शन नहीं होती, ठीक है ना। सारी रिलेशन फंक्शन नहीं होती, बट सारे फंक्शन तो रिलेशन होते ही हैं। थोड़ा और डिटेल में देखिए, डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं। यहां पे देखिए, मैंने सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया, एफ फंक्शन, ठीक है। इनफैक्ट मैं बोलता हूं रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। यहां पे डिफाइन किया मैंने रिलेशन, इस रिलेशन का नाम रख दिया आर वन, ठीक है, R1, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 हैं एलिमेंट्स, अल्फा बीटा गामा है, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, करेक्ट है। इसके बाद R1 रिलेशन था A और B के बीच में, C और D सेट लिया मैंने, इनके बीच में एक R2 रिलेशन डिफाइन किया, 1, 2, 3 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। या यूं कहें ये भी सी और डी क्या है, सेम ही सेट ले लेता हूं ए और बी, ठीक है। ए और बी सेट के बीच में एक दफे मैंने आर वन रिलेशन डिफाइन किया, दूसरे दफे आर टू रिलेशन डिफाइन किया। ये रिलेशन कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। अब थर्ड केस ले लेते हैं, ए और बी सेट के बीच में, ए और बी सेट के बीच में एक आर थ्री रिलेशन डिफाइन कर दिया, एक आर थ्री रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा है इस प्रकार से, ये है मेरा रिलेशन, ठीक है। और फोर्थ केस में, फोर्थ केस में एक R4 रिलेशन ले लिया मैंने, फोर्थ केस में एक R4 रिलेशन ले लिया मैंने, जो कुछ यूं डिफाइन किया गया है, करेक्ट है। ये चार रिलेशन हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि इन चार रिलेशंस में वो रिलेशन बताइए जो फंक्शन हो। सवाल यह है कि ये जो चार रिलेशंस हैं, इन चार रिलेशंस में मुझे वो रिलेशन बताएं जो फंक्शन हो। एक रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो उसको दो बातें माननी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, उनमें हर एलिमेंट की एक यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की मैपिंग होनी जरूरी है। कोई बटन खाली नहीं रहना चाहिए। यहां पे देखिए, ये जो तीन है इसकी कोई मैपिंग ही नहीं है। आप देखिए, तीन जो है, इस तीन की कोई मैपिंग नहीं हो रही। ये बटन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक नहीं कर रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R1 रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन हमारी फंक्शन बिल्कुल नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। ये वाला रिलेशन देखिए, R2, R2 रिलेशन देखिए जरा, कि वन की मैपिंग अल्फा से हो रखी, एक बटन की एक मैपिंग हो रखी, अब दूसरे वाले बटन की इसकी भी एक मैपिंग हो रखी है, तीसरे वाले बटन की एक मैपिंग हो रखी है। मैपिंग तो यूनिक है, यहां पे एक बात समझ में आ गई, यूनिक मैपिंग है, यूनिक मैपिंग है, ठीक है। दूसरी बात समझनी है कि क्या सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, यस, ऑल द एलिमेंट्स हैव अ यूनिक मैपिंग, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स हैव देयर इमेज इन सेट बी, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैप हो रखे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, सारे एलिमेंट मैप हो रखे हैं, यूनिक मैपिंग है, तो इसका मतलब ये वाले जो रिलेशन है R2 रिलेशन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये वाले रिलेशन हमारी फंक्शन है, ठीक है। R3 रिलेशन की बात करते हैं, R3 रिलेशन की बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए एक एलिमेंट जो है इसकी दो मैपिंग हो रखी है। मतलब बटन दबाओगे एक
चलेगा फैन भी और ऑन हो जाएगा रेफ्रिजरेटर भी। भाई ऐसा बटन मेरे को नहीं लगवाना घर पे, ठीक है ना। ये वाला जो बटन है ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ये बटन तो कर रहा है, ये वाला बटन देखिए कर रहा है, ये वाला बटन भी आप देख सकते हैं एक बटन से एक काम हो रहा है, बट एक बटन ऐसा मौजूद है, एक बटन ऐसा मौजूद है जिसने पूरा काम खराब कर दिया, जिसने इस रिलेशन को फंक्शन बनने ही नहीं दिया। तो जो R3 है, R3 इज नॉट अ फंक्शन, R3 भी फंक्शन नहीं है। यहां पे सारे एलिमेंट की मैपिंग तो हो रखी है बट यूनिक मैपिंग नहीं हो रखी, और यहां पे मैपिंग यूनिक थी बट सारे एलिमेंट की मैपिंग नहीं हो रखी थी, ठीक है। अब फोर्थ केस में देखिए, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग भी हो रखी है और यूनिक मैपिंग भी हो रखी है, मतलब यहां पे एक एलिमेंट का एक एलिमेंट का एक इनपुट है, सेट ए के एक एलिमेंट का एक इनपुट है। तो ये वाला जो रिलेशन है R4 रिलेशन है, तो बिल्कुल भन्नाट फंक्शन है एकदम। R4 जो है, R4 is a फंक्शन, R4 हमारा फंक्शन है यहां पे देखिए, और R2 जो है ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहां पे देखिए सारे इनपुट जो है वो मैप हो रखे हैं, पहली बात ये समझने की है, और दूसरी बात देखिए यहां पे यूनिक मैपिंग है। दो बातें अगर अपने को समझ में आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा वो फंक्शन है, करेक्ट है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेट बी के एलिमेंट खाली हो सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट खाली हो सकते हैं, उसमें अपने को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे देखिए चार रिलेशन मैंने लिए थे, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन, सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते लेकिन सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते लेकिन सारे फंक्शंस जो हैं वो जरूर रिलेशंस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है, और फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्लियर है, करेक्ट है, और फंक्शन की फील आ चुकी है, फंक्शन का आइडिया आ चुका है, और फंक्शन को इस्तेमाल में हम कहां लेकर के आते हैं, फंक्शन की हम क्या नीड क्या है, क्यों पढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिकल जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इस प्रकार से इनपुट और आउटपुट को जब रिलेट करते हैं, चाहे हमारे मोबाइल के इनपुट आउटपुट के साथ रिलेटेड हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट के इनपुट और आउटपुट के बीच में जब रिलेशन हमें डिफाइन करना होता है, तो हमें एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि वो इनपुट और आउटपुट की जो मैपिंग होनी चाहिए वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक यूनिक बटन से एक यूनिक काम होना चाहिए, एक बटन से यूनिक काम होना चाहिए, और सारे के सारे जो बटन हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए, ठीक है ना। ये दो बातों का अपने को ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा पैदा नहीं करना है। जब अपन कोई भी इस प्रकार से इनपुट आउटपुट का रिलेशन बनाते हैं तो फंक्शन वहां पर बनने चाहिए, सारे रिलेशंस, इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो देखिए बड़े एप्लीकेशन है इसके इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें फंक्शन से रिलेटेड। मान लो यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मान लो यहां पे मैंने सेट ए ले लिया और यहां ले लिया सेट बी, ठीक है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने ले लिए, यहां पे तो ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और सेट बी के जो एलिमेंट्स ले लिए वो ले लिए मैंने विजय, दीनानाथ चौहान, मांडवा और संजू बाबा, ठीक है। विजय, दीनानाथ चौहान, मांडवा एंड संजू बाबा, यहां पे सेट बी के एलिमेंट्स हैं। सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें आप देखिए, मैंने 1 जो है 1 विजय के साथ मैपिंग हो रखी थी, ठीक है ना। 2 की मैपिंग भी विजय के साथ हो रखी थी, विजय दीनानाथ चौहान, हाई। सेट जो 3 की है, 3 की सिर्फ उनके बाऊजी जो थे दीनानाथ, उनके साथ मैपिंग हो रखी है। 4 की जो है, 4 को चाहिए मांडवा, मांडवा तो भाई जिसको चाहिए है उसकी पिटाई बहुत होती है। 5 जो है उसकी मैपिंग देखिए एस के साथ हो रखी है, ठीक है। अच्छा एक और मान लेते हैं, इसके अंदर एक और एलिमेंट है, रौफ लाला, ठीक है। यहां पे देखिए 5 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स थे, मैपिंग कुछ इस प्रकार से हो रखी है। अब यहां पे देखिए मुझे बताएं कि 1 जो है ना, 1 की मैपिंग हो करके ये जो वी है, विजय जो है ये इसकी इमेज है, है ना। और दीनानाथ की जो परी इमेज है वो कितनी थी, 3, है ना। विजय की परी इमेज कितनी थी, 1 और 2, ठीक है ना। मांडवा की परी इमेज कौन है, 4, 4 की इमेज कौन है, मांडवा। बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, परी इमेजेस हैं, ठीक है ना। परी इमेजेस कौन है,
प्री इमेजेस, मैंने रिलेशंस में भी आपको सिखाया है जिस तरीके से रिलेशंस की प्री इमेजेस होती हैं, उसी प्रकार से फंक्शंस की भी प्री इमेजेस होती हैं। यहां पे जो प्री इमेजेस हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स को बोलते हैं, और जो इमेजेस हैं, इमेजेस एकदम क्लियर होना चाहिए, इमेजेस एकदम क्लियर होना चाहिए, जो इमेजेस हैं, इमेजेस हैं सेट बी के वो एलिमेंट, सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी परी इमेज एग्जिस्ट करती हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी परी इमेज ए में एग्जिस्ट करती हो उनको अपन क्या बोलते हैं? इमेजेस। तो यहां पे इमेजेस में कौन आएगा? विजय आएगा, दीनानाथ चौहान आएगा, मांडवा आएगा और अपना आएगा एस। ठीक है, विजय, दीनानाथ चौहान, मांडवा और अपना आगे एस। ठीक है, रोफ लाला जो है वो इमेज में नहीं आएगा क्योंकि रोफ लाला की कोई परी इमेज नहीं थी। बात समझ में आ रही आपको? तो यहां पे इमेज एकदम क्लियर है, प्री इमेज क्लियर है। अब देखिए तीन शब्द और इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन और को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं आपको कि कोर डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन कुछ यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, डी के इधर एफ लिख देते हो डोमेन ऑफ फंक्शन, आर के इधर एफ लिख देते हो रेंज ऑफ फंक्शन, सी और डी के इधर एफ लिख देते हो कोर डोमेन ऑफ फंक्शन। जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब है परी इमेज के सेट को फोटोकॉपी कर दीजिए यहां पे आप। ठीक है ना, ये जो परी इमेज वाला सेट है ये इसको यहां पे आप कॉपी कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इमेज वाले सेट को यहां कॉपी कर दें, सारे एलिमेंट्स इमेज जो हैं उनको यहां पे आप कॉपी कर दें, ये बन जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। और ध्यान से देखें, रेंज और कोडोमेन जो है दो अलग बातें होती हैं, रेंज और कोडोमेन दो अलग बातें होती हैं। रेंज होती है इमेजेस से बनने वाला सेट, ठीक है, और जो कोडोमेन होता है वो कंप्लीट सेट बी होता है। कंप्लीट सेट जो बी है उसको आप कोडोमेन में लिख दें, वी डी एम एस एंड रॉफ लाला। ठीक है, रॉफ लाला, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो रेंज ऑफ फंक्शन से बड़ी भी मिल सकती है और बराबर भी मिल सकती है। अगर मान लो रोफ लाला की भी कोई मैपिंग हो रखी होती, रोफ लाला की मान लो किससे मैपिंग हो रखी होती, उस केस में कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाती। बात समझ आ रही आपको? लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग है। तो मुद्दे की बात यहां पर साफ साफ है कि कोडोमेन जो फंक्शन की है वो रेंज से बड़ी भी मिल सकती है, बराबर मिल सकती है, मतलब रेंज इज आइदर ए सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ये बात क्लियर है? आई होप इमेज परी इमेजेस एकदम क्लियर होंगे आपको। ठीक है, तो अच्छा जो डोमेन है फंक्शन की वो देखिए क्या है, इनपुट्स का सेट है। आप ये बोल सकते हैं फंक्शन की जो डोमेन है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ठीक है, और जो रेंज है फंक्शन की वो क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। ठीक है ना, डोमेन जो है वो है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और जो रेंज है वो है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। इनपुट्स का जो सेट है डोमेन बोला जाएगा फंक्शन की, आउटपुट्स का जो सेट है वो बोला जाएगा फंक्शन की रेंज। क्लियर है एकदम? सो आई होप फंक्शन से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनका आपको एकदम कंप्लीट आइडिया है, फंक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है, रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर है और फंक्शन की जरूरत अपने को क्यों होती है, आई होप वो भी एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। और आपको मैं अब मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला फंक्शन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। मैंने आपको मिलवाया एक फंक्शन एक्स स्क्वायर से, इस फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर। आइए इस फंक्शन को समझते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बातें समझिए, सारे कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे बिल्कुल दिल में आएंगे सीधे कॉन्सेप्ट आपके। ठीक है ना, और हम तो वैसे भी दिल में आते हैं, समझ में नहीं, समझने का प्रयास ना करना, दिल से समझने का प्रयास करना, तुरंत दिल में पैकेट फिट हो जाएंगे। ध्यान से सुने जरा बात को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि जो इनपुट हैं वो एक्स होते हैं, ये जो एक्स है ये इनपुट है। ठीक है ना, एक्स क्या है, हमारे इनपुट। यहां बता दूं एक्स को इनपुट बोला जाता है, ठीक है, और वाई जो है उसको आउटपुट बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी y, x की जो वैल्यू है वो तो इनपुट है, लेकिन उसका स्क्वायर होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है y, और y जो है वो है आउटपुट। y क्या है, आउटपुट। x हमारा इनपुट है और y हमारा क्या है, आउटपुट है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो x है
उसको कैलकुलस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कैलकुलस का नियम है कि ये जो एक्स है इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई जो है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एक्स और वाई का जो गेम है ये बहुत लंबा चलने वाला है। क्लास ट्वेल्थ में पूरा जो कैलकुलस का जो सिलेबस है उसमें एक्स और वाई के इस गेम को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं वहां पे। यहां पे तो बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूं, सारी बेसिक टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं और आपको वो सारी समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। एक्स जो है उसको बोलते हैं इनपुट या फिर बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x को इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि x की वैल्यू जो आप पुट करते हो वो आप जो भी एक्सेप्टेबल इनपुट्स हैं पुट किए जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चीज के, और x के ऊपर y डिपेंडेंट है इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, क्लियर एकदम। और y जो है वो आउटपुट है, y और fx वो दोनों एक ही चीज है। यहां पर मैं लिख दूं y जो है वही fx होता है, और fx को रीड कैसे करते हैं, एफ एक्स को रीड ऐसे किया जाता है, एफ एक्स को अगर आपको बोलना हो तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि एक्स के ऊपर एफ फंक्शन लग गया और आउटपुट आ गया, मीनिंग क्या है, एक्स के ऊपर एफ फंक्शन लग गया और आउटपुट आ गया आपका। तो एक्स के ऊपर एफ फंक्शन लग गई तो आउटपुट आता है, मतलब y आउटपुट होता है वो तभी तो आएगा जब एक्स के ऊपर एफ फंक्शन लग जाएगा। बात समझ में आ रही आपको? तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं कुछ कुछ इनपुट डाल रहा हूं, मैंने एक्स की जगह पे डाला, एक्स की जगह पे मैंने इनपुट डाला एक्स इक्वल टू वन, तो मुझे बताएं आउटपुट कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, बहुत ही शानदार। मैंने एक्स की जगह पे इनपुट डाला x इक्वल टू टू, बताएं आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा x इक्वल टू फोर। मैंने x की जगह पे इनपुट डाला, x इक्वल टू थ्री डाल दिया, रूट थ्री डाल दिया, x इक्वल टू रूट थ्री डालोगे तो इसका स्क्वायर होकर के जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, आएगा थ्री। मतलब आप x की जगह इनपुट डालते चले जाओ आउटपुट आते चले जाएंगे। अगर आप x के ऊपर इनपुट डालोगे x इक्वल टू जीरो तो आउटपुट आ जाएंगे जीरो का स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू जीरो। ये जो आउटपुट आ रहे हैं ये y की वैल्यूज आ रही हैं भाई, ये जो आउटपुट आ रहे हैं ना ये x की वैल्यूज नहीं है, ये y की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। आपने x इक्वल टू जीरो डाला तो y मतलब जो आउटपुट आएगा वो y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आपने x की वैल्यू माइनस वन डाल दी, तो जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा। आप अलग अलग इनपुट डालते चले जाओ आपके अलग अलग आउटपुट आते चले जाएंगे। मेरा आपसे सवाल इतना सा है कि आप इनपुट क्या क्या डाल सकते हो, ऑल पॉसिबल इनपुट्स बताइए क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स बताइए क्या क्या हैं। आप बताएं कि x की क्या क्या वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कुछ भी डाल सकते हैं भाई, x की वैल्यू माइनस वन डाले, माइनस टू डाले, माइनस थ्री डाले, माइनस एट डाले, माइनस नाइन डाले, माइनस टेन डाले, माइनस हंड्रेड डाले, माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी डाले, माइनस फिफ्टी फिफ्टी डाले, कुछ भी डालें। x की वैल्यू नेगेटिव डालें, पॉजिटिव डालें, जीरो डालें, रैशनल डालें, इरेशनल डालें, कोई टेंशन नहीं है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और एक आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो सारे पॉसिबल इनपुट्स की बात करूं जो इस फंक्शन को खराब ना करे। देखिए हर इनपुट हर फंक्शन में नहीं डाला जा सकता, जैसे मान लो यहां पर कार है, यहां पर कार है, कार की ये टैंक है, कार के टैंक में क्या इनपुट डालते हो आप, पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कार के टैंक में अगर पानी डाल दिया आपने, वाटर डाल दिया, तो कोई आउटपुट नहीं आने वाला, खराब हो जाएगी कार, कार खराब हो जाएगी। अगर आपने उसके टैंक में पानी डाल दिया, पानी की पाइप लगा करके भर दिया कार के टैंक को, भैया कार हो जाएगी खराब, और आपकी जो फरारी है, जो मर्सिडीज है, वो खराब हो गई तो नुकसान बहुत हो जाएगा। तो एक फंक्शन में गलत इनपुट डालोगे फंक्शन खराब हो जाएगा। मान लो अपने पास क्या है, अपने पास है एक
हीटर है, ठीक है ना। अब हीटर कैसे, हीटर में क्या इनपुट डालेगा, हीटर में इनपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर में डालते हो तो आउटपुट निकलता है हीट, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे आप उस हीटर में पानी ठूस दोगे और सोचोगे कि हीट निकले, भाई वो जरूरी नहीं है। आप सोचोगे हीटर के अंदर मैं पेट्रोल डाल दूं और फिर हीट निकलेगी, भाई नहीं निकलने वाली। हर मशीन का अपना एक इनपुट होता है और अपना एक आउटपुट होता है। उसी प्रकार से ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर एक मैथमेटिकल मशीन है। एक्स स्क्वायर एक मैथमेटिकल मशीन है। इसके अंदर जब आप इनपुट डालते हो तो बाय चांस, बाय लक, विद ग्रेस ऑफ गॉड, एक्स स्क्वायर सारे इनपुट को एक्सेप्ट कर लेता है। मैथ्स में जो इनपुट्स होते हैं वो कोई पेट्रोल, चीनी, पानी नहीं होता। मैथ्स के इनपुट्स होते हैं नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना। हमारा जो इनपुट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। आपको चेक करना है कि इन रियल नंबर्स में कौन कौन सा इनपुट यहां पर डाला जा सकता है, और जो आउटपुट्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। गाड़ी के लिए तो इनपुट क्या है, पेट्रोल है, डीजल है। आउटपुट क्या है, मैकेनिकल वर्क है, चलती है, वो आगे लेके जाएगी आपको। लेकिन मैथ्स में जो इनपुट्स होते हैं मशीनों के, मैथ्स की मशीनें जानते हो आप, देखिए मैथ्स की कुछ मशीनें लिख रहा हूं मैं, कहानी है, बहुत पुरानी है, फंक्शन की कहानी है, कहानी की तरह ही सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके सारी बातें सीख लेना। मैथ्स की मशीनों की बात करें तो मैथ्स की कितनी मशीन जानते हो, मैं तो बहुत मशीनें जानता हूं। जैसे एक मशीन जानता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अभी लिखी मैंने, एक और मशीन लिख दो रूट एक्स डाल दो, रूट एक्स। और बताओ कोई मशीन जानते हो क्या, बहुत मशीनें जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन, ये नई मशीन है। और बताओ कोई मशीन जानते हो क्या, एक्सपोनेंशियल मशीन भी जानते हैं, टू की पावर एक्स, है ना। लॉग मशीन भी होती है, एक लॉग एक्स, ये लिख दिया लॉग एक्स विद बेस टू, है ना। और भी कोई मशीन जानते हो क्या, बिल्कुल जानते हैं, क्यूब रूट वाली एक मशीन भी होती है। देखिए बहुत मशीनें होती हैं मैथ्स में, और मैथ्स की मशीनों का काम है इनपुट डलवाना और आउटपुट दे देना। यहां पे देखिए इस मशीन में अगर मैंने एक्स की जगह फोर डाला तो आउटपुट क्या दे देगी, वाई की वैल्यू 16। इस मशीन में मैंने एक्स की जगह फोर डाल दिया तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, टू मिलेगी, रूट कर देगी इसका। इस मशीन में अगर मैं एक्स इक्वल टू टू डाल दूं तो मुझे वाई क्या मिलेगा, टू का क्यूब करेगा पहले, एट प्लस वन टेन मिलेगा। इस वाली मशीन में अगर मैं एक्स इक्वल टू मान लो टू डाल देता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, टू का स्क्वायर फोर। इस मशीन में अगर मैं एक्स की वैल्यू टू डाल दूं तो लोग अपने को आंसर कितना देगा, वन देगा। इस मशीन में अगर मैं एक्स इक्वल टू वन डाल दूं तो वन का क्यूब रूट होकर के वाई कितना आएगा, वन आएगा। तो दोस्तों मैथ्स में ये जो सारी मशीनें आपके सामने हैं, इन मशीनों के आप देख सकते हो जो इनपुट्स हैं वो नंबर्स हैं, आउटपुट्स हैं वो नंबर्स हैं। तो मैथ्स की मशीनें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फंक्शन चैप्टर्स में मैथ्स की मशीनें पढ़ते हैं, और मैथ्स की मशीनों के जो इनपुट्स होते हैं, मैथ्स की मशीनों के जो इनपुट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और आउटपुट्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहां पर शांति थोड़ी सी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैथ्स की हर मशीन हर इनपुट नहीं ले सकती, और हर मशीन हर आउटपुट नहीं दे सकती। मैथ्स की हर मशीन हर इनपुट नहीं ले सकती और हर मशीन हर आउटपुट नहीं दे सकती। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं वो कुछ इनपुट्स को इग्नोर कर देती हैं, छोड़ देती हैं, नहीं लिए जा सकते, और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कुछ आउटपुट नहीं दे पाते। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वाली मशीन में एक्स इक्वल टू माइनस फोर डाल दें, एक्स इक्वल टू माइनस फोर डाल दें तो रूट माइनस फोर हो जाएगा, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नहीं आएगा, और ये रियल नंबर देने वाली मशीन है। तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर डालने से ये वाली मशीन खराब हो जाएगी, जैसे गाड़ी में पानी डालने से गाड़ी खराब हो जाती है, उसी प्रकार से रूट एक्स में एक्स की वैल्यू माइनस फोर डालने से ये मशीन खराब हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर इस मशीन का वैलिड इनपुट नहीं है, डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस वाली मशीन में आप चाहो कि मैं इसका आउटपुट माइनस टू निकलवाऊंगा, एक्स स्क्वायर का आउटपुट नेगेटिव आ ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट है नेगेटिव नहीं निकलवा सकते आप। इनपुट में आप इसके अंदर कुछ भी डाल लें, एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन माइनस टू, दूध पानी मिर्ची मसाला कुछ डाल लीजिए आप इसके अंदर, एक्स स्क्वायर बोलेगा भैया कितना ही मसाला लगा लो,
मैं आउटपुट नेगेटिव दूंगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का काम है स्क्वायर करना, एक्स स्क्वायर का काम है स्क्वायर करना। स्क्वायर की दुनिया जो है वहां नेगेटिव नंबर नहीं होते। स्क्वायर की दुनिया में लेके चलेंगे कभी हम आपको, स्क्वायर की दुनिया में नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। तो ये मशीन बोलेगी, भैया हमसे कुछ भी करवा लीजिए, हमसे कुछ भी करवा लीजिए, हम सारा काम करने के लिए तैयार हैं, बट हम तुमको नेगेटिव आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और रूट एक्स बोलेंगे, भैया जी कालीन भैया हम आपका कोई भी काम करेंगे, लेकिन बस आप हमसे एक काम ना करवाइएगा। कालीन भैया बोलेंगे, कौन सा काम ना करवाएं? बोलेंगे कि भाई हमारे अंदर आप नेगेटिव में इनपुट ना डालिएगा, वो हमारी इज्जत को ठेस पहुंचाएगी, और जब भाई की इज्जत पे बात आएगी तो छोड़ेगा नहीं, गुड्डू भैया है, ठीक है ना। तो रूट एक्स जो है वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते, करेक्ट है। वापस आते हैं, हमारा जो डिस्कशन था वो एक्स स्क्वायर पे था, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर मशीन में देखिए, एक्स स्क्वायर मशीन में मैंने वन डाला तो आउटपुट कितना आया, वन आया। पॉजिटिव डालते थे, बहुत सारे पॉजिटिव नंबर डाले, आउटपुट देखिए पॉजिटिव आए हैं। और मैंने देखिए नेगेटिव नंबर भी डाला था यहाँ पे, इसके अंदर नेगेटिव नंबर डाला तब भी आंसर पॉजिटिव आया, और जब जीरो डाला यहाँ पे देखिए जीरो डाला तब आंसर कितना आया, तब मेरा आउटपुट कितना आया, जीरो आया है, ठीक है, क्लियर एकदम। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो एक्स स्क्वायर मशीन है इसमें इनपुट तो मैंने डाल दिए, पॉजिटिव में डाल दिए, जीरो डाल दिया, नेगेटिव भी डाल दिया, मतलब जो इनपुट्स है ना वो तो डाल दिए ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये ब्रैकेट लगा दी मैंने। इसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर डाल सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर होते हैं, वो भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो एक्स के जगह पे रखा जा सकता है, इनपुट डाला जा सकता है, बट जब ये स्क्वायर कर देगा उनका तो नेगेटिव कभी नहीं देगा। तो इसके जो आउटपुट्स होंगे, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स की बात करें, इसके जो आउटपुट्स हैं, इस मशीन के जो आउटपुट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, मतलब जीरो हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकता है, जीरो उसका आउटपुट हो सकता है, और जीरो से बड़े आउटपुट होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो सारे पॉसिबल आउटपुट्स की बात करें तो वो है क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, और इसके जो इनपुट्स की बात करें वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है आपको। जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं इनको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ऑल पॉसिबल जो आउटपुट्स हैं इनको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर के डोमेन पूछे तो इसका मतलब वो डोमेन पूछ रहा है, सारे पॉसिबल इनपुट्स की बात कर रहा है, तो उसको बताओ कि भाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, वो हमारे फंक्शन की डोमेन होगी, और जीरो से इन्फिनिटी इसके आउटपुट्स होंगे, हमारे फंक्शन की रेंज होगी। तो आई होप आपको एक फंक्शन की डोमेन और रेंज का क्लियर आइडिया लगा होगा, और आपको यह भी आइडिया लगा होगा कि मैथमेटिक्स में जो फंक्शन चैप्टर है उसमें तरह तरह के, बहुत तरह के फंक्शन आने वाले हैं, कई सारे तरह के फंक्शंस आने वाले हैं, और इन सारे फंक्शंस की स्टडी करना ही इस चैप्टर में हमारा काम है। तो मैं आपको इस चैप्टर में कई प्रकार के फंक्शन सिखाने वाला हूं, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होंगे, यहां पे देखिए क्यूब रूट फंक्शन भी होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन भी होगा, स्क्वायर सिंपल स्क्वायर फंक्शन है यहां पे, और इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल है, जैसे यहां क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस भी होंगे। मतलब कहने का मतलब ये मैथ्स के हर प्रकार के फंक्शंस मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाला हूं। और दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुनना, फंक्शन जो पार्ट वन है, फंक्शन वन की जो लेक्चर सीरीज है उसमें फंक्शंस के सारे बेसिक मैं कवर करने वाला हूं। और अच्छी बात तुम्हारे लिए ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेई की तरह, जो जेई के सवाल जो हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और जेई लेवल की बातें जो है फंक्शन चैप्टर में हम बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिटेल में सीखा एक्स स्क्वायर फंक्शन के बारे में, अब आइए एक फंक्शन की बात और कर लेते हैं, ठीक है, एक फंक्शन की बात और कर लेते हैं। किस फंक्शन की बात करें, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा, वन बाय वन ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको क्या करूंगा, वन बाय वन सारे टाइप के फंक्शन सिखाने वाला हूं, वन बाय वन सारे टाइप के फंक्शन सिखाने वाला हूं, और हर टाइप के फंक्शन पे अपनी पूरी कमांड होनी चाहिए। और अगर सारे टाइप के फंक्शन आपने सीख लिए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि फंक्शंस में आपका है सिक्का चलेगा, आपका जादू चलेगा, फिर फंक्शंस आपका अच्छा हो गया, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शंस में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्क्वायर रूट फंक्शन को यू रिप्रेजेंट करते हैं, fx इज इक्वल टू रूट एक्स, fx इक्वल टू रूट एक्स, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। इसको यूं भी लिख देते हैं y इक्वल टू रूट एक्स,
ठीक है। अब यहां पे मैं तीन चीजों में इंटरेस्टेड हूं, हर फंक्शन के बारे में अगर तीन बातें मालूम चल गई, हर फंक्शन के बारे में आपको अगर तीन बातें मालूम चल गई तो समझ लेना उस फंक्शन पे भाई की है कमांड, आपकी है मास्टरी। ठीक है, कौन कौन सी तीन बातें? एक तो फंक्शन की डोमेन, दूसरी फंक्शन की रेंज, और तीसरी बात है फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये तीन बातें अगर मालूम है किसी भी फंक्शन के बारे में तो आप समझिए उस फंक्शन की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप निकाल सकते हो। एक फंक्शन के बारे में तीन बातें जानना बहुत जरूरी है, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। और वन बाय वन करके मैं सारे फंक्शंस की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालूंगा, डोमेन, रेंज और ग्राफ निकालूंगा। और जब अपन सारे फंक्शंस की डोमेन, रेंज, ग्राफ पढ़ लेंगे, आपको सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और साथ के साथ हम सवाल करेंगे, और सारे फंक्शंस करने के बाद फिर बढ़िया सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या है? रूट एक्स जो है ना, रूट एक्स, डोमेन का मतलब है एक्स की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आप एक्स की जगह देखिए, जीरो पुट कर सकते हैं, जीरो पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? रूट जीरो, जीरो होता है। एक्स की जगह जब आप वन पुट करोगे तो आंसर वन आ जाएगा। एक्स की जगह अगर आप टू पुट करोगे तो आंसर 1.414 ऐसा कुछ आ जाएगा। एक्स की जगह फोर पुट करोगे तो आंसर टू आ जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना। मेरे को ये सारी वैल्यू पुट करनी नहीं है, बस ये सोचना है कि यार मुझे बताएं कि इस एक्स पे मैं क्या क्या नंबर पुट कर सकता हूं। मैं तो कहता हूं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हो, 0.1, 0.2, जीरो से बड़ी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट कर सकते हो, यहां पे जीरो इंक्लूड है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और जीरो से बड़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, जीरो से बड़ी इनफैक्ट सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी जीरो से इंफिनिटी। डोमेन का मतलब है जो एक्स की वैल्यू एज एन इनपुट ये फंक्शन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना, ये क्या कर ले, बुला ले अपने पास, ठीक है, ये बोले कि हाँ भाई ये वाली वैल्यू आप डाल लो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो रूट एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के आगे तक की कोई भी वैल्यू डालोगे, इस फंक्शन को कोई समस्या नहीं है। रूट एक्स को अगर समस्या पैदा होती है, रूट एक्स को टेंशन हो जाती है, अगर आप रूट के अंदर माइनस का नंबर, माइनस का नंबर पुट करोगे तो रूट तिलमिला जाएगा एकदम, बोलेगा नहीं हो सकता भाई, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, रूट उसको जान से मार देगा, रूट बोलेगा नहीं हो सकता भाई, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तुम हम में नेगेटिव पुट करोगे, हम तुमको कोई आंसर नहीं देने वाले। रूट के बारे में एक लाइन बता दूं, रूट ना ही नेगेटिव नंबर लेते हैं अपने अंदर और ना ही नेगेटिव नंबर बाहर देते हैं। रूट का एक सिंपल सा फंडा है, वो बोलेगा जैसा तू वैसा मैं, तू मुझको नेगेटिव देगा मैं लूंगा भी नहीं और तुझे कुछ दूंगा भी नहीं। तो रूट ना तो नेगेटिव नंबर कभी एज एन इनपुट एक्सेप्ट करते हैं और ना ही नेगेटिव नंबर रूट प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव नंबर रूट कभी नहीं देने वाले, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो नेगेटिव जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। अब आउटपुट की बात करें तो रूट का जो आउटपुट है वो नेगेटिव को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। रूट के जो आउटपुट्स हैं, सारे आउटपुट्स की बात करें, रूट का आउटपुट जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़े नंबर भी हो सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। रूट का आउटपुट जीरो कब होगा? जब इनपुट जीरो होगा तो देख लीजिए आउटपुट जीरो होगा। रूट का आउटपुट वन कब होगा? जब इनपुट वन है तो आउटपुट वन है। टू कब होगा? जब इनपुट फोर है तो टू हो जाएगा। तो रूट जो है वो जीरो से लेकर के और सारे बड़े नंबर टिल इन्फिनिटी एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो रूट एक्स की जो रेंज होगी वो होगी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। तो रूट के बारे में आपको बात समझ में आ गई कि रूट ना तो नेगेटिव इनपुट एक्सेप्ट करता है और ना ही नेगेटिव आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो रूट एक्स जो है उसका सिंपल सी थ्योरी है, नो नेगेटिव इनपुट, नो नेगेटिव इनपुट, नो नेगेटिव आउटपुट, नो नेगेटिव आउटपुट, ना ही कोई नेगेटिव इनपुट ये प्रोड्यूस करता है, ना ही नेगेटिव इनपुट लेता है और ना ही नेगेटिव आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है। आइए अब बात करते हैं रूट एक्स फंक्शन के ग्राफ की। अब इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं अपन, है ना। ग्राफ प्लॉट किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये हमारा पहला फंक्शन है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि एक फंक्शन के ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्राफ क्या है,
मतलब ग्राफ से आप क्या समझते हैं, एक फंक्शन का ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं तो आप ग्राफ के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं। देखिए इनपुट हमने देख लिए इस फंक्शन के, इनपुट हम देख चुके हैं, आउटपुट हम देख चुके हैं। तो फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसका मीनिंग होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशन है उस रिलेशन को जब हम एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation between inputs and outputs is known as graph of the function। उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन का ग्राफ बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशन है उसको एक पिक्चर की फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्राफ। किसका ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ। ठीक है ना भाई, को ग्राफ बनाना आता है तो समझ जाना फंक्शन उसको आता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ को अच्छे से बना लें उसके लिए अपन इनपुट और आउटपुट को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना बात को, ये हमारा है x और ये हमारा है y। ठीक है, आप मुझे कुछ बातें बताएं, आप मुझे बताएं जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू कितनी है, 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू जो है 9 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। करेक्ट है एकदम। तो ये देखिए x और y में कुछ रिलेशंस मैंने ढूंढ ली, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब 0,0 ये ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, 0,0 ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहां पे 1 है, y की वैल्यू 1 है, ये 1,1 भी ग्राफ पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, जो इनपुट आउटपुट वाले जो पॉइंट है 0,0,1,1 इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 4 है, देखिए x की वैल्यू यहां चलेगी 4, x की वैल्यू 4 चलेगी तो y की वैल्यू 2 तक गई। देखिए यहां x तो बहुत आगे बढ़ गया 4, y उतना आगे नहीं बढ़ा, तो ये है 4,2। ठीक है, x बहुत आगे बढ़ गया, y बिल्कुल थोड़ा सा 1 ऊपर बढ़ा, x 4 से 9 चला गया, मतलब x तो बहुत दूर चला गया, यहां पे ये यहां चला गया और y थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, तो ये है 9,3। ठीक है, 9 पे y की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप देखिए ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है, इस सारे इनपुट आउटपुट रिलेशन को जब अपन प्लॉट करेंगे तो देखिए ये शेप आपको समझ में आ रही है, पॉइंट मैंने इसलिए लिया ताकि शेप आपको समझ में आ जाए। तो यहां आप देख सकते हैं जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस शेप का ग्राफ होगा, ये ग्राफ बना है रूट एक्स फंक्शन का, ये रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ बना है। ध्यान से देखें इस ग्राफ को, और ग्राफ कैसे बनाया है, मैंने इनपुट आउटपुट की जो रिलेशन है उसको प्लॉट करते हुए देखा कि कैसी पिक्चर बनेगी, कैसी शेप बनेगी। मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जो पॉइंटें ऐसे जा रही हूं करते हुए ऐसी शेप बनेगी। तो अगर ग्राफ प्लॉट करने में कोई टेंशन कभी आए तो बड़े सिंपल सिंपल इनपुट आप लेके देखो और देखो आउटपुट क्या आ रहा है, और ये जो इनपुट आउटपुट से बनने वाले जो पॉइंट है 0,0,1,1,4,2,9,3 इनको प्लॉट करके देखो कि यार शेप कैसी आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि इनपुट तो देखिए बीच में भी थे यहां पे, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा उतना ईजी नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल वाले इनपुट यहां पे लिए हैं। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है y equal to root x का ग्राफ। किस चीज का ग्राफ बना है ये? ये बना है y equal to root x का ग्राफ। क्लियर है? This graph is of y is equal to root x function। यहां पे इंटरेस्टिंग बात इस फंक्शन की देखने वाली है कि x की वैल्यू नेगेटिव में ग्राफ नहीं बना। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, जो है ना इनपुट जो है लेता ही नहीं, तो नेगेटिव x पे कोई ग्राफ नहीं बनने वाला। और यहां पे देखिए ग्राफ जो है नेगेटिव वाई की तरफ भी नहीं है, ये नेगेटिव आउटपुट नहीं देता इसलिए नेगेटिव वाई की तरफ ये ग्राफ नहीं है। क्लियर है? और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से जाता है, आगे यूं करके यूं मूव करता चला जाएगा। करेक्ट है एकदम। तो वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ एकदम अपने को याद होना चाहिए, वाई इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन की डोमेन एकदम आपको याद होनी चाहिए। रात के 12 बजे भी अगर कोई आपसे उठा के बोलता है कि भाई रूट एक्स फंक्शन की डोमेन रेंज और ग्राफ, डोमेन रेंज और ग्राफ आप बना दें, भन्नाट पेन चलना चाहिए, एकदम खट से आप जो है डोमेन रेंज लिखना आना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। रात के 12 बजे भी अगर कोई सपना आपको आ रहा हो, ठीक कालीन भैया अगर सपने में हो रहे, एकदम कालीन भैया बोलें कि उठ और उठ के ग्राफ बना तुरंत एकदम, इस प्रकार से जो है ग्राफ एकदम आपकी पेन चलनी चाहिए और यूं ग्राफ आपका जो है बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो कहने का मेरा मतलब यह है रूट एक्स फंक्शन की डोमेन रेंज ग्राफ एकदम याद होना चाहिए। डोमेन कितनी है, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, रेंज कितनी है, क्लोज्ड जीरो से इन्फिनिटी, ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ग्राफ होता है क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं डोमेन और रेंज के जो पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होती है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है एकदम। सो आज के फंक्शंस के शो में इतना ही करेंगे, वक्त हो चला है, हमारा जो सफर है उसको यहीं पे हमें अलविदा कहना पड़ेगा, चलते चलते फिर हमें अलग हो जाना होगा और एक बड़ी लंबी मुस्कुराहट के साथ, जैसा कि हम लेक्चर को फिनिश करते हैं बड़ी लंबी मुस्कुराहट के साथ, मैं चाहता हूँ ये लेक्चर खत्म हो। बड़ा शानदार चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है और जेई के सवाल भी इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, तो मुस्कुराते हुए करेंगे, एक लंबी मुस्कुराहट के साथ इस चैप्टर को मैं पहला लेक्चर के बाद इस सफ़र को हम अलविदा करते हैं और एक प्यारी सी हंसी, एक प्यारी सी लंबी सी हंसी के साथ आज के सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।